झुंझुनू जिले के खेतड़ी पहुंचे, जहां पोलो ग्राउंड में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार को बहुमत के साथ विजय बनाने का संकल्प दिलाया। गहलोत ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और बीजेपी की योजनाओं पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। जनता को पहले 5 सालों के कामों का जवाब दे। खेतड़ी की आम सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के पीछे पड़े हैं। पिछले 30 साल से गांधी परिवार से कोई पीएम नहीं बना। गांधी परिवार का देश की आजादी से लेकर देश के विकास में अहम योगदान रहा है। कांग्रेस को एजेंसी की जरूरत, देश को आज कांग्रेस की जरूरत। इस बात को समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक शानदार जनरल पार्टी है, शानदार इसका त्याग का कुर्बानी का इतिहास है देश का। आदरणीय पहले भी किस प्रकार से शहीद हुए थे हमारे लोग, जेलम बंद रहे, लाटे खाई, गोलियां खाई, सब मुल्क आजाद हुआ। इसलिए आज जो हालात है देश के अंदर बहुत ही गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों राज कर रहे हैं, उनकी चलती है, बाकी किसी चलती में नहीं रखता। वादे किए वादे सब भूल गए। अभी रघु शर्मा जी डॉक्टर भक्ता बता रहे थे आपको, राजकुमार जी खुदा साहब ने शोर कुमार जी ने पिछले चुनाव के वादे का देखा जोखा होना चाहिए। आए ये कायदा होता राजनीति में, लोकतंत्र का वोटों के राज है जो कांग्रेस का दिया हुआ थे। शानदार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी राजस्थान, पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे उसमें, अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे विभिन्न खेलों के। ये मेरा सपना था, वसुंधरा ने मेरे सपने को चकना चूर कर दिया। कायदा है क्या? क्योंकि लड़के लड़के देखने लायक है। आजकल तो कई लोग तो टीवी बंद कर देते हैं, उनको तो फिल्मों में जाना चाहिए था, फिल्मों में, बॉलीवुड में एक्टर बनते तो ज्यादा ठीक था। क्योंकि एक्टिंग जो करता है एक्टर फिल्मों में, एक्टर या एक्ट्रेस, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है, खाली एक्टिंग होती है। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और सभी सीटों पर कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। माहौल बहुत शानदार है, कांग्रेस पक्ष में है और धीरे धीरे इनकी पोल खुल रही है, क्योंकि जुमलेबाजी करके 5 साल निकाल दिए। पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे उन वादों का जिक्र क्यों नहीं करते मोदी जी, उनकी पार्टी नेता लोग? उनको चाहिए पहले वादों का लेखा जोखा दे जनता को, हमने वादे किए थे ये निभा या नहीं निभा पाए, आगे हम ये वादा करते हैं उस पर नहीं। वो जानबूझ के कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, तो क्या हम पूरे देशवासी राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? खाली वही राष्ट्रभक्त है क्या? ये उनकी चाल है कि जनता को भ्रमित करें, डाइवर्ट करें। और जो मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए चुनाव के वक्त में, हम क्या कहना चाहते हैं जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो जनता सुने, और जनता माई बाप को फिर फैसला करे, उससे हटके वो राजनीति करें वो हमें स्वीकार नहीं। सर कांग्रेस टिकट चेंज करेगी? कोई चर्चा आ रही है कि कांग्रेस कई जगह पे टिकट चेंज करेगी, क्या कांग्रेस कई जगह पे टिकट चेंज करने की चर्चा आ रही है? नहीं, तो खाली अफवाहें चल रही है और कुछ नहीं। गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि गहलोत पूरी जी जान लगाए हुए हैं जोधपुर में। चुनाव में तो जी जान तो उम्मीदवार लगाते हैं, हम लोग रास्ता मन में घूमते हैं, कभी कभी घूम लेते हैं बस, तो जी जान तो हर को लगाना चाहिए, हर उम्मीदवार को लगाना चाहिए, हर नेता को लगाना चाहिए। सर रेस्पॉन्स कैसे मिल रहा है कांग्रेस को लगातार एक-एक पूरे राजस्थान में? अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और इनका सफाया हो जाएगा बीजेपी का इस चुनाव के अंदर, आप देखेंगे राजस्थान का। सर आपने संबोधन में और कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी भी है, हमारे एमपी जीत के जाएंगे, यहाँ पर एमएलए बने, सरकार हमारी बनी है तो हमें काम करने में आसानी भी होगी। दिल्ली से दबाव देंगे हम लोग, पैसा ले जाएंगे तो हमें और ज़्यादा काम हो पाएंगे, तो सब तरह से फायदा है।